ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि चाणक्य नीति के हिसाब से किसी व्यक्ति के गलत कामों का फल किस किस इंसान को भुगतना पड़ता है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसी व्यक्ति को ऐसे काम का बुरा फल भोगना पड़ता है, पर यह बात सही है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में गलत काम करने वाले व्यक्ति के साथ ही दूसरों को भी यह फल भोगने पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि किन हालातों में हमें दूसरे की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा राष्ट्रकृतम पापम राज्यम पापम पुरोहितम, भर्ता च स्त्रीकृतम पापम शिष्य पापम गुरु अस्तता। चाणक्य इस श्लोक में बताते हैं कि किस व्यक्ति का पाप का फल किसे भोगना पड़ता है। यदि जीवन साथी गलत काम करता है तो आचार्य कहते हैं कि विवाह के बाद यदि कोई पत्नी गलत कार्य करती है, ससुराल में सभी का ध्यान नहीं रखती है, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करती है, तो ऐसे कार्यों की सजा पति को ही भुगतनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई पति गलत काम करता है तो उसका बुरा फल पत्नी को भी भोगना पड़ता है। अतः पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को अच्छा सलाहकार होना चाहिए, जीवन साथी को गलत काम करने से रोकना चाहिए। फिर राजा के गलत काम के जिम्मेदार होते हैं पुरोहित मंत्री और सलाहकार। आज अपने नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, उनके गलत काम के जिम्मेदार उनके नीचे काम करने वाले आईएएस आईपीएस मंत्री और सलाहकार हो सकते हैं। जब शासन में मंत्री पुरोहित या सलाहकार अपने कर्तव्य को ठीक से पूरा नहीं करते हैं और राजा को सही गलत कार्यों की जानकारी नहीं देते हैं, उचित सुझाव नहीं देते हैं, तो राजा के गलत कार्यों के जवाबदार पुरोहित सलाहकार और मंत्री ही होते हैं। पुरोहित का कर्तव्य है कि वह राजा को सही सलाह दें और गलत काम करने से रोकें। मतलब हमारे मोदी जी के जो नीचे जितने आईएएस आईपीएस है उन्हें हमेशा चाहिए गलत सलाह नहीं दें। यदि किसी राज्य या देश की जनता को गलत काम करती है तो उसका फल शासन को या उस देश के राजा को भी भोगना पड़ता है। अतः यह राजा या शासन की जिम्मेदारी होती है कि प्रजा या जनता कोई गलत काम नहीं करे। आज के परिवेश में भी अगर हम लोग सब गलत काम करने लगे तो इसका जो फल है वो हमारे पीएम साहब को पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हमने टैक्स भरना बंद कर दिया तो सोचिए क्या फर्क पड़ेगा। हम ये कहेंगे भाई मोदी जी ठीक से शासन नहीं चला पा रहे हैं। जब राजा अपने राज्य का पालन सही ढंग से नहीं करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, तब राज्य की जनता विरोधी हो जाती है और वह गलत कार्यों की ओर बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में राजा ही जनता के द्वारा किए गए गलत कार्यों का जवाबदार होता है। यही बात किसी संस्थान पर या किसी भी टीम पर लागू हो सकता है। टीम के सदस्य या संस्थान के कर्मचारी गलत काम करते हैं तो टीम के लीडर या संस्थान के मालिक को भी बुरा फल भोगना पड़ता है। अगर हमारे समझिए इंडियन टीम क्रिकेट टीम है, अगर हमारा उसमें से एक कोई खिलाड़ी गलत काम करता है पूरी टीम की बदनामी होती है और साथ में कैप्टन सबसे ज्यादा बदनाम होता है। शिष्य के गलत काम का फल गुरु को भोगना पड़ता है। इस नीति के अंत में चाणक्य ने बताया कि जब कोई शिष्य गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है तो उसका फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को गलत रास्ते पर जाने से रोके, सही कार्य करने के लिए प्रेरित करे। यदि गुरु ऐसा नहीं करता है और शिष्य रास्ता भटक कर गलत कार्य करने लगता है तो उसका दोष गुरु को ही लगता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।